श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विट्ठल विपुल बिहारीदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो भैया नॉन स्टॉप ट्रेवल करके बांके बिहारी जी का पान का बीड़े का प्रसाद लेकर अभी आनंद लिया है। बिहारी जी ने आज जन्म दिवस पर ऐसा आते ही पान का बीड़ा प्रसाद दिया। बिहारी जी का जो भी राजभोग में भोग लगा, उसके बाद जब बिहारी जी को आचमन करवाया और आचमन के पश्चात जब बिहारी जी को पान का भोग लगवाया और नॉन स्टॉप ट्रेवलिंग करके श्री बद्रीनाथ धाम से श्री वृंदावन धाम तक का सफ़र तय किया और बिहारी जी की कृपा बरसती रहे, ऐसा ही बिहारी जी का आशीर्वाद मिलता रहे। और आज बहुत सारे भक्तों ने, मेरे बांके बारी भक्त परिवार के भक्तों ने, जो हमारे परिवार हैं, मैं यही कहूँगा कि मेरे बांके बारी भक्त परिवार ने, बहुत सारे भक्तों ने जो बिहारी जी के हैं, उन्होंने बर्थडे विश किया है, जन्मदिवस की बधाई दी है, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों को हम रिप्लाईज दे पाएँ, लेकिन जिनको रिप्लाई नहीं दिया उनको भी मैं बोल देता हूँ एक यहाँ पे कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने इतने अच्छे विशेज मुझे दिए हैं, दुआएँ मुझे दी हैं। और मैं सच बताऊं, बड़े बुजुर्गों ने बड़ा बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया मैसेज के थ्रू। श्री बद्रीनाथ धाम जब हम गए उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने सराहना करी कि जैसा कि हमने प्रण लिया कि हम बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो नहीं जा सकते हैं या नहीं गए हैं चार धाम यात्रा, जो बुजुर्ग बच्चे बड़े कैसी भी उम्र के हों, यंगस्टर्स भी हों, हम सबको लेकर चलेंगे। और शुरुआत हुई है बद्रीनाथ धाम से, आगे भी करते रहेंगे सफ़र, अगले महीने फिर एक सफ़र करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं, आज अहोई अष्टमी है, आज के दिन राधा कुंड में स्नान होता है, बच्चे के लिए मनोकामना मांगी जाती है। और राधा कुंड में स्नान के लिए बहुत लोगों का सवाल है हमसे, मैं उसी लिए बता देता हूँ कि वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड दो कुंड हैं और दोनों में ही स्नान होता है। आप जो वस्त्र धारण करके जाएंगे उन वस्त्र को वहीं त्यागना होता है। आप जो वस्त्र वहाँ त्याग कर जाएंगे उसके बाद नया वस्त्र पहनेंगे, वहाँ पर पेठे का भोग लगा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, वहाँ फ्रूट्स लेके जाइए, फल लेकर जाइए और फल वितरण कीजिए। फल का प्रसाद भी वहाँ पर आपको अगर रिटर्न में मिलता है तो वो लीजिए, अदरवाइज फल वहाँ चढ़ा कर आइए और वहाँ पर पूजा करके आइए। रात को 12 बजे से स्नान शुरू होगा, अराउंड अराउंड 2:30-4 बजे तक सुबह के चलता रहता है वो स्नान, उसके बाद भी लोग करते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप लोग लेट जा सकें ताकि भीड़ की वजह से आप लोगों को समस्या फेस नहीं करनी पड़े, प्रॉब्लम्स नहीं आए। और राधा कुंड में स्नान पर जब आप स्नान करेंगे तो सिर्फ स्नान नहीं करना है, आपको भाव रखना है, बिहारी जी को नमन करना है कि आप उनके श्री चरणों में नमन कर रहे हो और प्रणाम करते हुए राधा रानी और हमारे श्याम जी यानी हमारे लल्ला, हमारे कृष्ण, हमारे कान्हा से, बांके बिहारी जी से आपको यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें संतान की प्राप्ति हो और उसके बाद आप उसके बाद जो चीज़ बोलेंगे वो सुनिएगा, उसके बाद हम फिर से जोड़े के साथ आपके यहाँ पर स्नान करने आएंगे। आप उसमें अहोई अष्टमी का स्नान भी कह सकते हैं, यानी राधा कुंड में जो आज के दिन स्नान होता है, या फिर आप किसी भी एकादशी का स्नान कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि किसी भी एकादशी पर भी आप लोग स्नान कर सकते हैं जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये आपको पहले बोलना पड़ता है। हम जो भी मनोकामना मांगते हैं बोलते हैं वो हम पहले बोलते हैं और फिर ठाकुर जी महाराज की जब कृपा हो जाती है उसके बाद हम वो हमें कर्म करना पड़ता है। तो आप लोग किसी भी एकादशी का कह सकते हैं कि मैं एकादशी पर भी स्नान करने आएंगे हमारी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात, पूर्ण होने के बाद। तो आप लोग एकादशी देख लीजिएगा जब भी आप लोगों को कंफर्टेबल रहे, आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और काफ़ी ऐसे भक्त हैं जिनका हमारे पास आ रहा है कि हमने वहाँ पर स्नान किया था, मनोकामना पूर्ण हो गई, अब क्या करना है, तो उनके लिए भी यही है। अगर आपने नहीं बोला है
तब भी आप किसी भी एकादशी पर वहाँ जाकर प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, आचमन ले सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और वहाँ पर सेम वही प्रोसेस, आप वहाँ पर फल का भोग लगाएं, आप वहाँ पर मिठाई का भोग लगाएं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक दीप प्रज्वलित भी करना है आपको, जी बिल्कुल, दीप प्रज्वलित भी करना है, क्योंकि कार्तिक का मंथ है, दीपदान का अपना एक महत्व है, तो आज जब भी स्नान के लिए जाएंगे तो ऐसा करना। और बिहारी जी ने चाहा, मैं अभी भी आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ प्रे करना बिहारी जी से, कि अगर बिहारी जी ने चाहा, आशीर्वाद दिया, तो हम आज रात्रि में वहाँ से लाइव चलाएंगे। अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप किया है, 14-15 आवर्स का पहाड़ी पूरा, तो बस ठाकुर जी ने अभी तक सोने का मौका नहीं दिया, रेस्ट करने का मौका नहीं दिया, सीधा यहाँ बुला लिया, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और फिर से एक बार चलते हैं, जब हम और भक्तों के लिए, जब मैं, आप लोग मेरे थ्रू, जब भी हम आते हैं, आप लोग आते हैं, जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जब बाहर से आप लोग आए हुए भक्त ठाकुर जी के, जब इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं मंदिर को सजाकर, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, और मेरा भी एक मन है कि मैं भी तो बिहारी जी के संग सेलिब्रेट करूं। तो भैया बिहारी जी के लिए मिल्क केक बनवाए, वो प्रसाद भोग लगेगा, आई थिंक लग चुका है मिल्क केक तो, अब लग चुका है, और अधोटे का प्रसाद जो बिहारी जी के भक्तों में ही वितरण होगा, उसका भी आनंद लेंगे, और डेकोरेशन का भी आनंद लेते हैं, इसलिए मैंने तो मैचिंग के कपड़े पहन लिए हैं, और काफ़ी भक्त जो मेरे से मिले हैं वो भी बहुत सारे तो मैचिंग के हैं, तो भैया ये तो बांके की कृपा है। और बिहारी जी के लिए बड़ा सुंदर भी गिफ्ट भी बनवाए, बिंदी और बेसर, अगर एक भक्त मिलना चाहते हैं, मैं तो आरती करूँगा, अभी आरती के बाद मिल पाऊँगा, आने वाली है, तो चलिए जी आरती आने वाली है, हम लोग भी तैयार रहते हैं, आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैं फिर से यही कहूँगा कि बिहारी जी के संग कोशिश करिए कि बढ़िया ढंग से सेलिब्रेशन कर सकें, बढ़िया ढंग से बिहारी जी के साथ अपना जन्मदिन मना सकें, और यहाँ मंगल में डेकोरेशन है, दर्शन कर सकते हैं, और बिहारी जी की असीम अनुकंपा बनी रहे सभी भक्तों पर, यही हम चाहते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि बिहारी जी के जब तक भक्तों में प्रसाद वितरण नहीं होगा, तब तक उसका आनंद और फल भी नहीं मिलेगा, और यही तो चाहिए कि जब हम कुछ भी बनवाते हैं तो भक्तों में वितरण हो, ताकि उसका उसका जो आशीर्वाद है, उसकी जो कृपा है, कृपा ही तो पानी है, वो मिल सके, और कृपा पाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो भैया कोशिश करेंगे कि आज राधा कुंड जा सकें, और बिहारी जी ने इतना तो शक्ति दी कि यहाँ तक तो ले आए, सब अच्छे से यात्रा हो गई। और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि बड़े सुंदर तरीके से दर्शन हुए, दर्शन बंद हो चुके थे, हमने लाइव चलाया, फिर उसके बाद हमें वहाँ पुजारी जी भी मिल गए, उन्होंने हमें दर्शन भी कराए, बड़े ढंग से अपने आप ही लेकर गए, और यहाँ पर थैंक यू अभी प्रसाद ले लेना आप नीचे से। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए और अंदर जाके आरती भी करी, जय बिहारी जी, मैं आराम से बात करते हैं, फिर अभी बस आरती कर लो, फिर बात करेंगे। तो वहाँ पर आरती मिल गई, आरती हमें बहुत सुंदर तरीके से वहाँ आरती मिली, ये भी बहुत अच्छा लगा हमें। और उसके बाद आरती के बाद जो श्रृंगार बढ़ाते हैं, वो दर्शन भी अद्भुत हमें करने को मिल गए, यानी कि ऐसी कृपा और क्या चाहिए कि भैया आरती भी मिल गई, आरती के बाद हमें श्रृंगार बढ़े, उसके दर्शन भी हो गए, यहाँ से निकल गए। तो ऐसी कृपा बिहारी जी करते रहें। और उसके अगले दिन हमने तप्तकुंड में स्नान किया, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जाके सुबह स्नान किया, फिर वहाँ पर फिर से दर्शन किए, और एक बच्चा माध्यम बना हमारा दूसरे दिन दर्शन करने के लिए, यानी दूसरे दिन जब हमने दर्शन किए तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बालक किस तरीके से हमारे पास एक बहुत सुंदर पूरी बड़ी सी फूलों की बड़ी गुच्छेदार जो होती है, बड़ी फूलों की जैसे बिहारी जी की बनती है, जिसको जयमाला टाइप कहते हैं, जयमाला की तरह, वो हमें माला उन्होंने दी कि ठाकुर जी को धारण करवा दीजिएगा, और उसके बाद मैं आरती के बाद आऊँगा, मैं आरती करके बाद आऊँगा, वेट कर लिया। तो एक बच्चा जो माध्यम बना, और वो हमें इतने जबरदस्त तरीके से अंदर ले गया, वहां ले जाके उन्होंने हमें छोड़ा, क्या नाम है इनका, निबान, बिहारी जी की कृपा से ये
नहीं जी ये मेरी डेकोरेशन नहीं, ये मेरी डेकोरेशन है, मेरा बर्थडे है, मेरी पर्सनल डेकोरेशन है खुद की, तभी तो मैंने मैचिंग करके पहना है। तो भैया जी ये बच्चे को भी ले लेते हैं, आज इनका भी जन्म दिवस है, जय हो। आरती आ चुकी है, जय बिहारी जी, बिहारी जी की आरती का आनंद भी लेंगे। मोर मुकुट कटका छिनी कर मुरली और माल, कर मुरली और माल ये बानिक मेरा मन बसो, सदा बिहारी लाल, पाग बन्यो पटुका बन्यो बन्यो लाल को वेश, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की, तोरी आरती श्री आरती की, जय श्री नवनागर की, श्री आरती की, जय श्री नवनागर की। खंजन नैन बैन रसुमाते, खंजन नैन बैन रसुमाते, श्री रूप सुधा सागर की, श्री आरती की, जय श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात श्री आरती श्री नैन सैन नुजागर की, श्री आरती की, जय श्री नवनागर की। मनोहर श्री मुख कुमाऊ जागर की, श्री रसिक सखीदम पतियार की सोहे, श्री रसिक सखीदम पतियार की सोहे, श्री नैन सैन नुजागर की, श्री आरती की, जय श्री नवनागर की, श्री आरती की, जय श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय हो। तो बांके बिहारी जी की अमृत वर्षा का आनंद भी हम ले रहे हैं यहाँ पर, और बिहारी जी की असीम अनुकंपा सभी पर बनी रहे, और पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार ऐसे ही एक रहकर आनंद लेता रहे। और श्री चार धाम यात्रा की जो हमने प्रण लिया है, वो चार धाम यात्रा श्री वृंदावन धाम से ही हमने प्रारंभ की है, और वृंदावन धाम पर ही विराम कर रहे हैं। और कार्तिक के मंथ में, जिसमें सबसे अच्छा मंथ माना जाता है, राधा रानी का प्रिय, और क्या ही कहना इनके लिए, यहाँ पर देखिए तुलसी जी अर्पण करने का अपना महत्व है, तुलसी जी की पूजन करने का अपना महत्व है कार्तिक मंथ में, उसके अलावा दीपदान का अपना महत्व है, इसके अलावा परिक्रमा का अपना महत्व है, इसके अलावा ठाकुर जी के धामों की यात्रा करने का भी अपना महत्व है, इसके अलावा जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आज स्नान करते हैं वो भी कार्तिक में ही आता है। तो कार्तिक की महत्वता देखिए, आप लोगों को राधा रानी राधा कुंड में स्नान करना होता है, राधा रानी का ही प्रिय ये कह लीजिए मंत्र ही उन्हीं को समर्पित है, ये मंत्र उन्हीं का है, ये मंत्र राधा रानी का है। तो ये सारी चीजें इस मंत्र में है, और इसी मंत्र हमने यात्रा का शुभारंभ किया, तो बिहारी जी का आशीर्वाद तो अपने आप बनेगा भाई, राधा रानी को पकड़ लो, ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पर हम आनंद ले रहे हैं, और यहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे, सावन बटेगा सारा। कुंज बिहारी लाल तेरी, नीचे मिलता हूं मैं, आ जाइए कुंज बिहारी श्री हरदास विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन। तो काफी लोग जो हमसे ऊपर आए थे, हमने बोला नीचे चले जाइए माथा टेको, फिर हम नीचे ही आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे। यहाँ पर एक बार दर्शन कर लेते हैं, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे ही आ रहा हूं मैं, जय हो। तो भैया यहाँ तक पूरी डेकोरेशन करवाई है ताकि ठाकुर जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, और बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद है, बिहारी जी की कृपा है, बिहारी जी ने अपनी कृपा देकर ही ये सेवा ली है कि डेकोरेशन भी हमने बिहारी जी के श्री चरणों में समर्पित की, और ये सेवा करी, और बिहारी जी का भोग भी लगवाया है। तो ये तो ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है कि हमें ये अवसर बिहारी जी ने दिया। कि और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात थी जो मेरे मन में भी डाउट था कि क्या मैं टाइमली रिटर्न आ पाऊंगा
वृंदावन धाम तक, क्योंकि जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। आपको स्पेशल मिलने आया है। अरे वाह, मैं रोज देखता है। क्या नाम है आपका? सॉरी, आरुष। तो भैया ये एक भक्त बिहारी जी का हमसे मिलने आया। राधे राधे, हाथ जोड़ के राधे राधे श्री हरदास। तो यहाँ पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, और बिहारी जी ने तो हमें गिफ्ट भी दिया है। देखिए ये बिहारी जी के पास से ही मैं लेके आया हूँ पान का भीड़ा, और ये यहाँ गणेश जी महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं, चलते हैं। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो, जय हो मेरे पाके बिहारी श्री कृष्ण गोविंद। जय बिहारी जी, प्रसाद मिल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। राधे, थैंक यू भैया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर लाइव चल रहा है, चलते हैं ठाकुर जी की मंगल चौकट को प्रणाम करने के लिए। अरे अभी तो भीड़ लग रही है, पहले एक बार ठाकुर जी का जो भोग लग गया है उसके दर्शन कर लेते, फिर वो तो बटवा भी देते। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास को आज बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अपना जन्म दिवस मनाते हैं, और सनम भी हमारे साथ है, और साथ में बिहारी जी का प्रसाद भी है, पीछे भी प्रसाद रखा है। तो यहाँ पर ये केक कटिंग करेंगे और बिहारी जी के साथ अपना जन्म दिवस मनाएंगे। मंदिर प्रांगण को बहुत सुंदर तरीके से सजवाया है, कलर मैच कर लिया है बिहारी जी के मंदिर बैलून्स के साथ। कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल भैया। ये तो पूर्ण रूप से यहाँ मना लिया है, और आनंद ही आनंद है, और बिहारी जी के प्रसाद के भी दर्शन हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ से मंदिर प्रांगण के भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेशन कर चुके हैं, और जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। फिर से करेंगे मुलाकात श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।